So welcome once again to your computer class. We were doing chapter number 1, computer a machine, and we have done last time humne kya kya kiya tha. Let's take a quick recap. Humne kiya tha two type of things, natural and man made, and how does a machine work on fuel, on electricity and on human power. Aur uske baad humne exercise mein se thode si exercise humne ki thi, theek hai, filling the blanks, true false humne aise work kiya tha hamara complete. Okay, तो आज हम करेंगे, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू पेज नंबर 10. हरी अप एवरीवन, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से पेज नंबर 10 ओपन कर लेंगे. ओपन कर लिया सबने, कर लिया ओपन. चलो नाउ कीप योर पेंसिल रेडी विद यू. सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है. कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय फिलिंग द लेटर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस. टेक द हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स. ठीक है, आपके सामने एक पजल आपको दी है एंड उसके ऊपर आपको हिंट दिया है कि आपने उसमें फिल क्या करना है. उसको देख के जल्दी जल्दी से आपने फिल करना है. ओके, स्टार्ट करें. चलिए जल्दी से, सबसे पहले आप इसमें फिल करोगे एरोप्लेन. हरी अप एवरीवन, चलिए जल्दी से फिल करेंगे. और हमने फिल करना है एरोप्लेन, A E R O P L A N E, एरोप्लेन. उसके बाद वी आर गोइंग टू फिल कंप्यूटर. टू हमने सबसे पहले फिल करने हैं. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, मैंने आपको यहाँ पे शो किया है एक एरोप्लेन और एक शो किया है कंप्यूटर. ये दो आपने फिल करने हैं इन योर बुक. चलिए जिनकी ये टू हो जाए फिर से मुझे एक स्माइली वाली इमोजी सेंड कर दो. जिसके ये टू फिल हो जाए सेंड मी अ स्माइली वाली इमोजी जल्दी से. जिसने एरोप्लेन भी कर लिया है, जिसने कंप्यूटर भी कर लिया. ओके, मान्या ने फिल कर लिया, वेरी गुड मान्या. गुरमनदीप यू आल्सो फिल, वेरी गुड विवान. बाकी बच्चे भी हरी अप हरी अप. वी आर 59 स्टूडेंट्स ओवर हियर. रूहानी डन, वेरी गुड खुशी. अवलीन, आर्यन, बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी. अरमान, वेरी गुड बेटा. राजवीर, सबने कर लिया है ना. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आगे. अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर, मॉनिटर. जो कंप्यूटर की आपको स्क्रीन नजर आती है, जो टीवी होता है ना, उसको बोलते हैं मॉनिटर. चलिए एवरीवन, सारे बच्चे करेंगे एयरप्लेन, कंप्यूटर एंड मॉनिटर. नंबर 3 पे करेंगे मॉनिटर, जल्दी जल्दी हरी अप. सारे बच्चे करते जाओ विद योर पेंसिल एंड इरेजर इन योर हैंड. अपनी बुक पे ये फिल करते जाओ. ओके, एंड डू योरसेल्फ, अपने आप करो. सारे बच्चे अपने आप करेंगे, नो नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स. ओके, किसी से आपने हेल्प नहीं लेनी, अपने आप मेहनत से करना है हमने खुद. मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ, आप भी करो. ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से. हिंट दिया हुआ है आपको ऊपर, ठीक है, आप उसको देख देख के भी कर सकते हो. ऊपर स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको देख के करेंगे. सबसे पहले कंप्यूटर, एयरप्लेन एंड मॉनिटर, ये 3 हो गए. आफ्टर दैट नाउ हम करेंगे आयन. ठीक है, आई आर ओ एन. हरी अप एवरीवन. ओके, बच्चों ने फुल कर लिया, वेरी गुड. सारा का सारा कर लिया. अभी रुक जाओ, थोड़ी स्पीड स्लो करो अपनी. स्पीड इतनी भी नहीं तेज रखनी है, बाकी बच्चों के साथ साथ करना है. ओके, आयन कर लो एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैन. चलिए, वी हैव डन टिल नाउ 1 2 3 4 5, हमने 5 कर लिया अब तक. ठीक है, फैन, एरोप्लेन एंड कंप्यूटर एंड मॉनिटर, हमने इतने फिल कर लिए. वेरी नाइस एवरीवन, करते जाए, सारे बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट. वेरी गुड अरमान, आपने फुल कर लिया. अन्नम ने भी फुल कर लिया, वेरी गुड, बहुत एक्टिव बच्चे हैं ये तो. वेरी नाइस, सारे बच्चे करेंगे. एंड लास्ट वन ओवर हियर इज कार. ठीक है, अब ये हमारा हो गया यहाँ पे पजल क्रॉसवर्ड कंप्लीट. आई होप सब बच्चों का हो गया है. मैं फुल पेज डन, वेरी गुड मान्या. चलिए अब इसको एक बार देखते हैं कि आपकी बुक पे कैसा लगेगा ये. इट विल लुक लाइक दिस इन योर बुक. ठीक है, सब बच्चों का हो गया, वेरी गुड एवरीवन. सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि मैम वी हैव डन. अभी थोड़े बच्चों ने बताया, बाकी बच्चे कहाँ गए, बाकी बच्चे भी बताओ. चलिए, हीट का भी हो गया है. अखिल ऑल्सो डन, उदयवीर, ओके, रूहानी ने भी कर लिया, वेरी गुड विवान. हीट ने भी कर लिया है और बाकी बच्चे, भी. लक्ष्य ने भी कर लिया, वेरी गुड. चलिए आगे चलिए अब. यस, मूव फॉरवर्ड.
चलिए अब हमने आना है पेज नंबर 11 पे। 10 वाला पेज हमारा डन हो चुका है सब बच्चों का, अब हम आएंगे पेज नंबर 11 पे। ठीक है, सो पेज नंबर 11 पे देखो क्या लिखा है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड बताना है सिर्फ इनका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका रीड करते हैं। नेम अ मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसी कौन सी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है? आप कोई भी बता सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कंप्यूटर, बिकॉज वी आर डूइंग सब्जेक्ट कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर लिखा है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है। नेम अ मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से चलती है, मैंने कंप्यूटर लिखा है। आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हो जो आपको पसंद है। ओके, यू कैन राइट योर ओन चॉइस। वेरी गुड, टीवी डन, वेरी गुड, फैन हाँ जी लिख सकते हो, वेरी गुड। और आपको अगर कोई और पता है, आयरन पता है, वेरी गुड, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट कंप्लीट्स आवर वर्क फास्टर, हमारा वर्क कौन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता है? आवर वर्क कंप्लीट बाय मशीन, वेरी गुड परिशा, उदयवीर, रणवीर। ठीक है, हमारा वर्क कौन कंप्लीट करते हैं? मशीन। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस भी कर लिए, देखो हम कितने फास्ट है, फर्स्ट क्लास के बच्चे। नेम अ मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज कंप्यूटर। एंड व्हाट कंप्लीट्स आवर वर्क ऑन वर्क फास्टर, हमारा वर्क कौन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता है? दैट इज मशीन। 2 वर्क हमारे यहाँ पे और डन हो गए। चलिए नाउ टेल मी, जिनका ये वाला वर्क हो गया है वो मुझे एक फ्लावर सेंड करेंगे चैट बॉक्स पे अपने आप ढूंढ के। जिनका ये हो जाए, इतना वर्क भी हो गया, सेंड मी अ फ्लावर इन द चैट विंडो, चैट बॉक्स पे एक फ्लावर भेजो। चलो विमान ने भेज दिया, विमान ने पूरा बकेट ही भेज दिया है ना, वेरी गुड। प्रभगुन ऑल्सो डन, वेरी गुड गुनीश, उदयवीर, बच्चों का हो गया है। गर्ल्स थोड़ी पीछे रह गई मुझे लगता है, गर्ल्स कहाँ हो? गर्ल्स जल्दी जल्दी, बॉयज आके जीत रहे हैं हमारे से। चलिए सोनाक्षी डन, वेरी गुड। राजवीर आपका भी हो गया बेटा, ओके। अमरोस एंड ग्रेस बोथ डन, वेरी गुड। परी का भी डन है, मान्या ऑल्सो डन, पर्ल ऑल्सो डन, वेरी गुड। मनरू वेरी नाइस, गेविन वेरी गुड, लक्ष्य आप सब बच्चों का हो गया, दैट मीन्स ओके। नाउ लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ओवर हियर, वी हैव 66 स्टूडेंट्स विद अस, वेरी गुड। सो यहाँ पे 66 बच्चे हैं मेरे साथ, ओके। सो सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ओके चलिए हो गया, ओके। परी टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए अब उसके नीचे हमारे पास बड़े वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, उसके नीचे देखो आपको ऐसे डैश मिलेगी लिखी हुई क्वेश्चन के नीचे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। Answer the following question. ये सबको मिल गया होगा है ना, ऐसे लाइन लगी हुई है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ये 2। नेम एनी 2 मशीन्स यू सी इन योर स्कूल, आपको स्कूल में कौन सी 2 मशीन्स नजर आती हैं? ठीक है, आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे आपको कंप्यूटर टीच करती हूँ, तो आई हैव रिटन कंप्यूटर एंड फैन, मान्या ने बिल्कुल यही आंसर लिखे, बिल्कुल है ना मान्या, वेरी गुड परिशा, आपने भी यही लिखा है। कंप्यूटर नंबर 2 फैन, आप भी इसे लिखोगे सारे बच्चे, नंबर 1 डाल के कंप्यूटर, 2 डाल के फैन, ओके। एंड इफ योर वर्क इज लेफ्ट समवेयर, अगर कुछ बच्चों का बीच में थोड़ा सा वर्क रह जाता है, देन डोंट वरी, ओके, घबराना नहीं है कि मैम मेरा वर्क रह गया, मैं कर नहीं पाया, तो घबराना नहीं है, आराम से अपना वर्क करना है, जितना होता है आपसे करिए। एंड आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू एज वेल, एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है आई शेयर विद यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, क्लास के ग्रुप में मैं डाल दूंगी, आप वहां से भी कर सकते हो, ओके? तो घबराना नहीं है हमने। अर्णव यू हैव डन, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी बताएंगे। अरमान यू ऑल्सो डन, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारे पास। नेम एनी 2 नेचुरल थिंग्स, आपको जो चीज पसंद है आप लिख सकते हो। आपको क्या पसंद है? ट्रीज पसंद है, सन पसंद है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज एंड बटरफ्लाई, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है। सन, वेरी गुड, ट्री, बटरफ्लाई, फ्रूट, ट्रीज, फ्लावर, जो भी आपको पसंद है, यू कैन राइट ऑफ योर ओन चॉइस, आप कोई भी लिख सकते हो। ईजी है ना ये भी क्वेश्चन, देखो कितने ईजी है।
Name any two machines you see in your school. आपके स्कूल में आपको टू मशीन कौन सी नजर आती है? Okay, so number one is computer and number two is fan. और उसके बाद number two question है, name any two natural things. उसके नीचे देखो line लगी हुई है और वहां पे आप लिखोगे number one पे trees and two पे आप लिख सकते हो कोई भी आपको जो पसंद है. मैंने बटरफ्लाई लिखा है, आप सन फिश जो भी आपको पसंद है, स्टार पसंद है ठीक है आप लिख सकते हो, फ्लावर पसंद है फ्लावर्स लिख लो ठीक है आपकी चॉइस है. ये बर्ड्स वेरी गुड, बर्ड्स भी लिख सकते हो ठीक है. वेरी नाइस परीक्षा विहान, विहान आपने कर लिया वेरी नाइस. चलिए जल्दी से मिनल, यस यू कैन राइट ट्रीज वेरी नाइस बहुत अच्छे. ओके अनम ने सन ट्री लिखा है वेरी गुड आप लिख सकते हो. चलिए और सारे बच्चे खुद करेंगे, अपने आप अपना वर्क करना है सब बच्चों ने. ओके यू नीड टू डू योर वर्क योर सेल्फ, अपने आप करना है. फर्स्ट क्लास में आ गए हो, बड़े बच्चे बन गए अब है ना. चलिए वेरी गुड, शाबाश शाबाश, डन. प्रवीण ने डन कर लिया वेरी गुड. ओके रणवीर वेरी नाइस, यू ऑल्सो डन, यू हैव ऑल्सो डन वेरी गुड. बाकी बच्चे भी बताएंगे जल्दी जल्दी. मैम मेरा हो गया है. ओके विवान परीक्षा अश्विंदर यू हैव डन वेरी गुड. बाकी बच्चे भी लक्ष मिनल वेरी नाइस, अरमान ऑल्सो डन, मान्या डन. चलिए आगे चले, यस कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे चले. बहुत इजी है इसको करना. नाउ देयर इज पेज नंबर 11 इन योर बुक, आपकी बुक पे है पेज नंबर 11. अब हम यहाँ पे आ गए, आगे सारे बच्चे सारे बच्चों को मिल गया ये वाला क्वेश्चन. इफ यू गॉट दिस इन योर बुक, आपको पेज नंबर 11 पे लास्ट में ही अगर ये आपको मिल गया देन सेंड मी यस मैम इन द चैट विंडो, यस या यस मैम जो भी आपको दिल करता है आप लिख सकते हो. ओके चलिए अमरिंदर फाउंड वेरी गुड, प्रभगुन वेरी नाइस आपको भी मिल गया है, बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए जल्दी जल्दी. यस वेरी गुड गेविन, कृतिका परीक्षा वेरी नाइस, अरमान ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से. चलिए नाउ आई एम गिविंग यू वन मिनट दे देते हैं आपको. चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए योर सेल्फ, रीड योर सेल्फ और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए. और बताना नहीं है आपने अभी मुझे, जब मैं आपको बोलूंगी ना तब बताओगे आप ठीक है, अभी नहीं आपने बताना मुझे, वेट करनी है अभी. ओके चलिए हरी अप एवरीवन. चलिए भव्या यू हैव रेज योर हैंड, भव्या यू हैव रेज योर हैंड बेटा. ओके परी ने भी रेज हैंड किया है. ओके वेरी गुड, अभी आंसर नहीं बताना हमने. ओके वी आर नॉट सपोज टू टेल द आंसर, जब आपका सिर्फ हो जाए आपने सिर्फ इतना बताना कि मैम वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन, हमने कर लिया है. ओके अभी आपने बताना नहीं है मुझे. चलिए शाबाश. ओके पनीत अमरिंदर यू हैव डन, अरमान सहजपाल परी खुशी बच्चों का हो गया है, भव्य ऑल्सो डन, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी. शाबाश प्रभुन वेरी गुड. ओके चलिए देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. चलो विच ऑफ दीज इज नॉट अ मशीन, अब मैं इसका आंसर पूछूंगी किसी से. लेट मी आस्क आंसर फ्रॉम मान्या चोपड़ा. मान्या अनम्यूट योर सेल्फ, मान्या यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ वेरी गुड वेरी गुड. क्या आंसर आएगा बेटा इसका? कार. कार आएगा. विच ऑफ दिस इज नॉट अ मशीन, जो मशीन नहीं है सोचो. फुटबॉल वेरी गुड. ओके म्यूट योर माइक, थैंक यू सो मच. चलिए इसका आंसर हमें बता दिया है कि इसका आंसर है बॉल, जो फुटबॉल है ठीक है. कंप्यूटर इज अ मशीन, वॉशिंग मशीन इज अ मशीन, कार भी मशीन है, तो फुटबॉल क्या है? एक सिंपल एक बॉल है, तो वो मशीन नहीं है, तो उसको हमने कर देना है टिक. ठीक है आपके पास सर्कल बना हुआ है, सर्कल में आपने उसको टिक कर देना है. ओके चलिए यस वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट. ओके किसी को इसमें थोड़ा डाउट है दे कैन आस्क क्वेरी, अगर किसी को डाउट है रेज हैंड दोज़ हू हैव क्वेरी. अगर आपने किसी ने कुछ पूछना है देन यू कैन रेज योर हैंड.
ओके लेट मी नाउ फर्स्ट लोअर योर हैंड्स एवरीवन. चलिए किसी को डाउट है अगर आप अगर कुछ पूछना चाहते हो देन यू कैन आस्क. परी यू हैव रेज योर हैंड. डू यू हैव एनी क्वेरी? यस मैम. कुछ पूछना है बेटा आपने? यस मैम. क्या पूछना है बेटा? मैम ये जो है इसमें टिक करना है. हाँ जी बेटा, इसको आप टिक करोगे. देखो बॉल के सामने एक आपको सर्कल दिया है ना, वहां पे आपने टिक करना है इसको. ओके ओके मैम. ओके चलिए, और कोई क्वेरी है किसी के पास? अगर सहज पाल, यू हैव रेज योर हैंड. सहज पाल, नो क्वेरी. ओके मिनल. यस मैम. सहज, डू यू हैव एनी क्वेरी? नो मैम. ओके देन लोअर योर हैंड बेटा. चलिए मिनल आल्सो. मिनल आपने कुछ पूछना है बेटा? यू हैव रेज योर हैंड. यस मैम. यस बेटा, आस्क योर क्वेरी. मैम जो आपने बोला ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज के, हाँ जी, वो यहाँ पे कोई और लिखे आ रहे हैं. आपके कोई और लिखे आ रहे हैं? यस मैम. आपके पास बुक कौन सी बेटा? कलर कौन सा आपके पास बुक का? कंप्यूटर इट येलो कलर. येलो कलर की तो उसमें ही है बेटा ये. ओके कोई बात नहीं. पेज नंबर 11 बेटा. यस बोल के जी. ओके लेट मी सी देन योर बुक फर्स्ट. ओके यू कैन शो योर बुक. हाँ यही तो बुक है. सही है आपकी बुक बेटा मिनल, बिल्कुल ठीक है आपकी बुक. ठीक है ओके परफेक्ट. कोई और क्वेश्चंस लिखे आ रहे हैं? नहीं बेटा ठीक है आपकी बुक बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, आपकी बुक ठीक है. ओके ओके मैम. चलिए आगे चले. पेज नंबर 11 है बेटा प्रिया, पेज नंबर 11 ऑफ योर बुक. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज मशीन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अपने आप करना है, अभी आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी. डू योर सेल्फ, अपने आप करो. शाबाश. अ साइकिल, अ सीजर, अ कंप्यूटर और अ बस. अपने आप सोचेंगे सारे बच्चे एंड विल टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम इट. ओके लेट मी सी, अब मुझे आंसर बताएंगे. बट फर्स्ट लेट मी गिव 1 मिनट, बच्चों को भी सोचने का टाइम देती है, तभी हम करेंगे. ओके वेट करते हैं पहले, फिर मुझे प्रवीर आंसर बताएगा. प्रवीर सिंह. ओके प्रवीर बताएगा आंसर. आफ्टर दैट विल ओके फर्स्ट वेट करेंगे, वेट करते हैं. ओके प्रवीर वेट फॉर 1 मिनट, फिर हमें बच्चों को आंसर बताना है. आप बताओगे आंसर, ठीक है? चलिए लेट मी सी बच्चों के रिस्पॉन्सेस, व्हाट दे हैव इन देयर माइंड. वेरी गुड, और चैट बॉक्स में भी लिख दिया है. वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड. बाकी बच्चे भी. एंड प्रवीर नाउ यू टेल मी द आंसर. कंप्यूटर. वेरी गुड, थैंक यू. म्यूट योर माइक नाउ. वेरी नाइस. चलिए प्रवीण ने हमें बता दिया है द करेक्ट आंसर इज अ कंप्यूटर. अभी किसी को कोई डाउट हो दे कैन रेज हैंड. किसी को डाउट हो इसमें, किसी को डाउट हो, किसी ने कुछ पूछना हो. सहज पाल यू हैव रेज योर हैंड. जशनप्रीत सिंह, यश विरदि, इफ यू हैव एनी क्वेरी. Arnav, you have raised your hand. Arnav, you can unmute and you can ask. Ma'am. Hanji. Ma'am, ye wo hain jinko humne jo machine hai unko tick karna hai.
इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, उस मशीन को टिक करना है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ठीक है, जो बिजली पे चलती है उसको टिक करना है इन फोर पिक्चर्स में से। ओके चलिए, बाकी बच्चे भी और कोई क्वेरी हो? प्रांजलि यू हैव रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी इफ यू हैव। मैम इसमें थ्री कंप्यूटर्स हैं। हाँ जी बेटा, इसमें थ्री कंप्यूटर्स हैं। थ्री कंप्यूटर्स हैं? हाँ जी। मैं वन ही पिक्चर है बेटा, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ये देखो। हाँ जी, पर मैम इसके एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर। ओके ओके, वो क्वेश्चन अलग है बेटा, क्वेश्चन इज डिफरेंट, ठीक है, वो क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके मैम। ओके, लो योर हैंड बेटा, लो योर हैंड। ओके नाउ नंबर थ्री, नंबर थ्री पे आएंगे। विच ऑफ दीज मशीन वर्क ऑन ह्यूमन पावर, इनमें से कौन सा ह्यूमन पावर पे वर्क करता है जिसपे आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो वो कौन सी मशीन होगी? कंप्यूटर, बी सीजर, सी एयरप्लेन और डी कार। अभी आंसर नहीं बताना, नो वन इज गोइंग टू राइट द आंसर, वेट फॉर वन मिनट, लेट्स सी बच्चों का रिस्पॉन्स देखते हैं, देन आफ्टर वी विल राइट। ओके वेट करनी है पहले, बच्चों को डन करने दो, करने दो। वेरी गुड वेरी गुड। ओके अमन संधू यू हैव डन, वेरी नाइस। जशनप्रीत मिनल वेरी गुड। ओके खुशी वेरी नाइस, यश वेरी गुड, मान्या यू हैव ऑल्सो डन। ओके चलिए वेट करते हैं वन मिनट, अभी अभी रहता है टाइम, भी थोड़ा सा 20 seconds रहते हैं, बच्चों को करने देते हैं, है ना। इनमें से कौन सी मशीन ऐसी है जिसपे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जोर लगाना पड़ेगा, तो ये कौन सी मशीन होगी? यू नीड टू आइडेंटिफाई, ए कंप्यूटर, बी सीजर, सी एयरप्लेन या डी कार, ठीक है। ओके लेट मी सी नाउ, अब बच्चों के रिस्पॉन्स देखते हैं फ्रॉम द चैट विंडो। ओके इमोजी से भेज दी, वेरी गुड, है ना, कि मैम ये वाली इमोजी रख लो, यही इसका आंसर है। वेरी गुड प्रांजलि, मान्या वेरी गुड। चलिए इसका करेक्ट आंसर इज बी सीजर, जब आपको अपनी फिंगर्स यूज करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करनी पड़ेगी, है ना, तभी ये काम चलेगा, राइट। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एक क्विक रिकैप देखते हैं, आज हमने क्या 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 किया, हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 and 8 वी हैव डन टुडे। अच्छा अब इसमें हमने क्या क्या किया था, एक हमने किया कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, ओके एंड देन वी हैव डन टिक द करेक्ट ऑप्शन, गिव वन वर्ड एंड वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर आल्सो। अभी इसमें कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। जशनप्रीत यू हैव रेज योर हैंड, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरी। किसी को अगर कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क मी। ओके यश यू हैव रेज योर हैंड। ओके चलिए और किसी को कुछ पूछना हो, नो क्वेरी, ओके चलिए वेरी गुड। ओके चलिए अब मैं आपको एक बार पुराना वाला वर्क भी करवा देती हूँ, ठीक है, कि जो हमने पहले वर्क किया था, कुछ बच्चों का अगर नहीं हुआ है देन दे कैन डू अगेन दैट वर्क, और जिन बच्चों का हो गया है, ठीक है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी वो वर्क कर लिया है, दे विल मैच द आंसर्स। ओके स्टार्ट करते हैं, वेट लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन फॉर यू, एक बार मैं शेयर कर दूं। चलिए स्क्रीन इज शेयर्ड विद एवरीवन, यस ओके यश हैज नो क्वेरी, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले हमने की थी फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 8, यू कैन सी ओवर हियर, सारे बच्चे अपना पेज नंबर 8 ओपन करेंगे, एवरीवन विल ओपन पेज नंबर 8 ऑफ देयर बुक, जल्दी से हरिया, वेरी गुड, और मुझे आंसर्स बताते जाएंगे। ओके चलिए नाउ आई एम गिविंग फर्स्ट टर्न आएगी,
हाँ जी बेटा, ऑन कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 8 खोलना है। ओके अरमान, यू हैव डन द फुल चैप्टर, वेरी गुड। ओके बाकी बच्चे भी बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपने बोला था कि 11 नंबर पेज करना है, मैंने जो आपने बोला वो कर तो लिया, पर अभी तो बचे हैं थोड़े। क्या रहता है बेटा आपका वर्क, कोई बात नहीं, अभी मैच कर लेना साथ में, ठीक है? अभी मैच कर लेना, वेट करो, ठीक है? अभी साथ साथ में आप मैच कर लेना, आपका वर्क कहाँ पे रहता है आप इसके साथ मैच कर लेना, नो प्रॉब्लम इससे। जो जो आपने कराया है वो तो मैंने कर लिया, जो आपने नहीं कराया उसका क्या करना है? मैंने बेटा सारा वर्क आपको करवा दिया है, एवरीथिंग इज डन इन द क्लास। ओके सारा वर्क हो चुका है। चलिए सबसे पहले हमने की थी फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर, यू कैन सी डैश मेक्स आवर वर्क फास्टर, मशीन, थिंग्स दैट आर नॉट मैन मेड आर कॉल्ड डैश थिंग्स, जो हमने नहीं बनाई है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। एंड नंबर 3 वाज एयरप्लेन इज अ डैश थिंग, जो हम देखते हैं ना एयरप्लेन चलता है तो वो कौन सी चीज है, मैन मेड है कि वो नेचुरल है, दैट इज मैन मेड थिंग। और उसके बाद नंबर 4 इज देयर कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश, कंप्यूटर किस पे चलता है, ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? Before we have done the matching over here, you can see the matching on page number 9. 4 matchings are there. एक उन्होंने पहले से कर दी है. You are to do 2 number, 3 number and 4 number matching. Computer, washing machine and bike को आपने match करना है. And you are going to put numberings. Okay, अब बड़े हो चुके हैं तो हम numbering करेंगे. ठीक है? जिन बच्चों का full हो चुका है work, very nice. मैच करेंगे साथ में, ओके? कोई मिस्टेक ना रह जाए हमारी, ओके? फर्स्ट क्लास एवरीवन विल मैच द आंसर्स। चलिए इसके बाद वी हैव डन ऑन पेज नंबर 9 ट्रू और फॉल्स, उसको हम बोलते हैं ना यस एंड नो, गलत है कि सही है, ठीक है? तो है, चलिए लेट्स मैच विद इट वंस अगेन। एंड बेटा मनवीर म्यूट योर माइक, यू हैव अनम्यूटेड इन बिटवीन, ओके थैंक यू सो मच। ओके मशीन वर्क्स फास्टर, यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है ना, मशीन फास्ट वर्क करती है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, सो दिस इज फॉल्स, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। एंड मशीन इज अप आवर वर्क, हमारा जो वर्क है मशीन वो इजी कर देती है, यस इट इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ओके okay? चलिए नेक्स्ट वी हैव डन जॉइन द डॉट्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम। 3 आपको पिक्चर्स गिवन है, आपने इन पिक्चर्स को अपनी पेंसिल के साथ पहले प्रॉपरली ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू राइट द नेम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फैन, फ्रिज एंड आयरन, और उसके बाद आप अपनी चॉइस जो भी आपको कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, ब्लू, येलो, कोई भी आपको कलर पसंद है उसके साथ आपने अपनी पिक्चर्स को कलर करना है, ओके? आफ्टर दैट कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बाय फिलिंग द लेटर्स इन द ब्लैंक बॉक्सेस, टेक द हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स, ये अब आपने आज ही किया है ये वर्क, ये भी बहुत इजीली हमने कर लिया, सब बच्चों ने कर लिया, आई होप सो, ठीक है? एंड देन वी हैव डन गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चंस वर देयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आज हमने ये वर्क किया है, ओके? एंड देन लास्ट में हमने क्या किया है, MCQs, MCQs में 3 हमने क्वेश्चंस किए थे एंड यहाँ पे देखो मैंने सर्कल में उसको पेंसिल के साथ टिक किया है, तो आप भी पेंसिल के साथ ही टिक करोगे सारे बच्चे, ओके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास, नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग।